हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू कलेक्शन। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग साथ खैरियत के होंगे। और आज मैं आपके लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ, आप लोग बहुत टाइम से मुझसे कह रहे थे कि आप रमशा के डिजाइन दिखाइए रेप्लिका में, तो मैं आज लेकर आई हूँ। एंड ये हमारे पास कॉस्मोस के जो है वो न्यू डिजाइन आए हुए हैं। आप लोग जानते हैं कॉस्मोस में हमेशा रमशा का रेप्लिका ही आता है जो कि इंडियन मेड होता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए आज जो लेकर आई हूँ वो लेटेस्ट रमशा के डिजाइन होंगे। और ये हमारे पास जॉर्जेट फैब्रिक पर होंगे। फैब्रिक पूरा का पूरा जो डिटेल्स है कॉस्मोस में जो हमेशा रहती हैं कि नेट का या फिर उसका नाजनीन का दुपट्टा होगा एम्ब्रॉयडर्ड, एंड जॉर्जेट में ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला इसका आपका जो आपको शर्ट मिलेगी वो पूरा जॉर्जेट पे एम्ब्रॉयडर्ड होगी, ठीक है। तो ये जो आप कलर्स तो अपने सामने देख ही चुके होंगे, हमारे पास पर्पल भी है, ग्रीन में भी है, ग्रे में भी है, रेड है, व्हाइट है, एंड एक बादामी शेड में भी है। तो ये सारे हमारे पास 6 पीसेस हैं और डबल डबल है स्टॉक में, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं कि जब डिमांड ज्यादा आती है और कोई चीज काफी टाइम से अपलोड नहीं हुई होती है तो उसके काफी ज्यादा जल्दी सेल हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को जो भी डिजाइन पसंद आता है आप लोग मुझे फॉरन स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। एंड कॉस्मोस का वैसे भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है क्योंकि फैब्रिक भी अच्छा रहता है और एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न और पूरा जो रहता है काफी लोग, देखिए अब ऐसा क्या हुआ है कि कोरोना के बाद से ना काफी लोग ओरिजिनल नहीं लेना पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं और वो इंसान कितना बार पहन लेता है कि वो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। तो जो वही पहनते हैं ओरिजिनल में ही सिर्फ वो करते हैं स्किन की वजह से वैसे, तो आप लोग तो ले सकते हैं, लेकिन काफी लोग जो है वो सिर्फ रेप्लिका में ही लेना चाहते हैं। तो इस वजह से हम लोग दोनों तरीके का आपको दिखाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को ओरिजिनल रमशा के भी दिखाए थे जो कि हमारे पास 3750 वाली रेंज में थे, उसमें से अभी भी मेरे पास कुछ डिजाइन्स अवेलेबल हैं। और ये जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो लोग रेप्लिका में सिर्फ रमशा का रेप्लिका मांगते हैं ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये ओरिजिनल मैं अगर रमशा बोल रही हूँ तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये इंडियन रेप्लिका है, ये उसकी कॉपी है, कॉपी आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए। और ये मैं जो डिजाइन आपको दिखा रही हूँ इसका बहुत डीप सा पर्पल शेड है, डार्क पर्पल है, जिसपे की पूरा आप जो भी एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं वो जरी का काम है, आउटलाइनिंग जो गोल्डन कलर की है और रेशम का भी काम इसमें पर्पल कलर से ही है, लाइट पिंक कलर से भी है। तो ये पूरा फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, विद आपको कॉस्मोस का ये टैग मिलेगा। और ये इसकी बैक साइड है, तो इसमें बैक साइड भी आपको पूरी एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगी, बैक साइड प्लेन नहीं मिलेगी, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ मिलेगी। और नीचे इसका बॉर्डर भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगा। और ये हमारा इसका लाइनिंग का प्लस बॉटम का फैब्रिक है सेम टू सेम पर्पल शेड में। और ये इसकी स्लीव्स है, ठीक है, तो ये स्लीव्स देख लीजिए आप। और अगर किसी को ओरिजिनल रमशा के डिजाइन देखने हो, जो मेरे पास फिलहाल कुछ पीसेस अवेलेबल है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी रेप्लिका में तो फिलहाल रमशा के रेप्लिका में हमारे पास फिलहाल यही वाला कलेक्शन आया हुआ है, तो आप इसी को ध्यान से देखिएगा अगर आपको रेप्लिका में कुछ भी चाहिए। तो ये हमारे पास इसका एक पैच में दिया हुआ है जो कि आप बॉटम पे लगवा सकते हैं इसका, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा। तो इस वाले डिजाइन में दुपट्टा आपका नेट मटेरियल में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इस पे काफी लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है रेप्लिका में, मतलब ओरिजिनल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका इसलिए है क्योंकि सस्ता है और सस्ते में चीज आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो बुरा लग रहा है या वैसा है तो आप ओरिजिनल में भी देख सकते हैं, वो आपकी कम्प्लीटली वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप रेप्लिका में लेना चाहते हैं ओरिजिनल में, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा नहीं लग रहा, आप रेप्लिका बोल रहे हो ये वो। तो ये इंडियन मेड है, इंडिया में अपना इंडियन जो फैब्रिक होता है वही यूज होता है, ठीक है। तो ये उसी वजह से इसका थोड़ा गेटअप चेंज हो जाता है, यही चीज आप यही सेम काम अगर आप देखोगे ओरिजिनल में तो उसका गेटअप अलग होगा क्योंकि वो शिफॉन पर होगा, ये वाला जॉर्जेट पे है और नेक पर है। तो ये दुपट्टा आप देख लें, इसका पूरा दुपट्टा हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है, बीच में पूरा इसमें एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी, पल्लू की साइड जो है मतलब बॉर्डर्स जो इसके हैं उनमें भी काफी ज्यादा वर्क है। तो ये पूरा दुपट्टा जो है कम्प्लीटली हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट डिजाइन है इसमें डार्क पर्पल शेड में। और हमारे अब 5 पीसेस रह गए, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा ग्रीन कलर में है, ये देख लीजिए। फैब्रिक जो शर्ट का और जो बॉटम का इनर का रहेगा वो तो सेम रहता है, लेकिन दुपट्टे का जो है किसी किसी में नेट दे देते हैं, किसी में नाजनीन आता है डिजाइन के हिसाब से, तो बस वही डिफरेंस है इनमें, बाकी फैब्रिक वगैरह सब चीज सेम है और थोड़ा बहुत जो डिजाइनिंग है कलर है वो सब भी चेंज है, ये आप देख लीजिए। अब इसका पूरा डिजाइन आपको चेंज लगेगा, पर्पल वाले का अपना अलग जो है वो एम्ब्रॉयडरी थी, इसकी बिल्कुल अपनी डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है, इसमें भी रेशम का काम है, जरी का काम है। और थोड़ी सी देखिए ये जो होते हैं इनमें अगर जरी का काम मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें शाइनिंग तो होगी, और इस टाइप के जो होते हैं वो बहुत सारा थोड़ा सा शाइनिंग वाले होते हैं और प्लस रात के फंक्शंस के लिए ज्यादा
पहने जाते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए। लेकिन अगर आप जैसे बाकी और उससे कंपेयर करें ना पार्टी वेयर से, जिसमें कि बहुत ज्यादा वैसा हैवी वर्क होता है, उनके लिहाज से ये थोड़ा सा, मतलब उनके कंपैरिजन में थोड़ा हल्के ही रहेंगे, इतना ज्यादा हैवी उसमें नहीं है। ये इसकी बैक साइड है, आप बैक साइड एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, ये भी पूरा आपको रेशम के काम के साथ एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा, पूरा का पूरा बैक साइड, ठीक है। और ये आप नीचे देख रहे हो, ये शैंटून फैब्रिक है, जो कि आपको लाइनिंग के लिए, मतलब इसके इनर के लिए और बॉटम के लिए, दोनों के लिए आपको इसमें दिया होता है। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी आपको पूरी प्रॉपर, एक मिनट, स्लीव्स भी ये देख लीजिए, पूरी प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको इसमें दी गई है। और दुपट्टा जो इसका है वो इसमें आपको डार्क शेड मिलेगा, तो कंट्रास्ट आप कह सकते हो, दुपट्टा कंट्रास्ट में है, थोड़ा डार्क ग्रीन शेड में है। और ये इसका आप देख लें, नाजनीन फैब्रिक पर ये दुपट्टा है, ये देख लीजिए पूरा, मैं उल्टी साइड से दिखा रही हूँ, ये साइड से, दोनों साइड पे आपको ये इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, बीच में बूटे मिल जाएंगे, ठीक है, ये देख लीजिए। तो पूरा दुपट्टा जो है वो नाजनीन मटेरियल पे आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाएगा। और ये इसमें एक पैच है, तो ये जो पैच दिया होता है ना, ये मेनली बॉटम के लिए ही दिया होता है। इसमें हमेशा कॉस्मोस में आपको एक पैच मिलेगा जो कि बॉटम के लिए होता है, क्योंकि दामन फुल रेडी होता है फ्रंट का एंड बैक का, और स्लीव्स पे भी फुल रेडी होता है, तो इसमें कुछ भी आपको लगाने के लिए नहीं है, लेकिन बॉटम पे आप इसको लगवा सकते हैं। तो ये हमारा डिजाइन नंबर सेकेंड हो गया, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा नेक्स्ट डिजाइन रेड कलर में, ये देख लीजिए, ये हमारा रेड कलर में कॉस्मोस का डिजाइन है, और इसको भी देखते हैं। ये पूरा प्रॉपर रेड है, मतलब एक ही शेड में ये पूरा का पूरा सूट है, इसमें ऐसा नहीं है कि बॉटम या दुपट्टा अलग शेड में दिया हो। इसमें आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी कितनी हाईलाइट सी हो रही है, मतलब कितनी खिलती हुई सी एकदम से वैसे दिख रही है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है ना डार्क ब्लू का इसके साथ में, रेड के साथ में अच्छा लग रहा है। और ये प्रॉपर ब्लड रेड शेड है, मतलब जो एकदम ब्राइट वाला रेड होता है वैसा वाला है। और पूरा इसमें आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो, ये पूरा रेशम का काम भी है इसमें, आपको जरी का काम भी दिया है, और सीक्वेंस वर्क जो है इनमें सब में वो वाटर सीक्वेंस वर्क है, मतलब कोई इतना ज्यादा कोई एक कलर का सीक्वेंस वर्क नहीं है, पूरा सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग के लिए इसमें लगाया गया है। तो ये आप देख लीजिए, इसकी पूरी का पूरा एम्ब्रॉयडरी जो है वो काफी प्यारा लग रहा है कलर के हिसाब से, ये पूरा हो गया। और ये इसकी बैक साइड है, तो ये आप बैक साइड देख लीजिए, बैक साइड भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है इसका, ठीक है। और मैं अब आपको इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ, ये स्लीव्स देख लीजिए, स्लीव्स भी इसकी पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। स्लीव्स तो सबकी, मतलब आपको शर्ट वाला जो है ना पूरा फ्रंट बैक स्लीव्स, तो पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है। ये रेड कलर का इसका लाइनिंग का एंड बॉटम का फैब्रिक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और ये हमारा डिजाइन हो गया है, मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा इसका सेम टू सेम रेड कलर में है, और इसमें नाजनीन फैब्रिक में दुपट्टा है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि नाजनीन फैब्रिक मैंने देखा है कि काफी लोग बहुत बहुत, मतलब ऐसे मान लें कि 80% लोग जो है वो नाजनीन फैब्रिक का ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबल रहता है ये वाला दुपट्टा। और ये देख लीजिए इसका दुपट्टा नाजनीन मटेरियल पे, दोनों साइड पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, बीच में बूटे पड़े हुए मिल जाएंगे इसमें, ये देख लीजिए। तो पूरा प्रॉपर ना आपको ये रेड कलर में ही इसका दुपट्टा साथ में दिया हुआ है। तो ये हमारा डिजाइन हो गया, और ये इसकी मॉडल पिक्चर। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास नेक्स्ट पीसेस, इसमें टोटल 6 ही पीस आए हैं कैटलॉग में, ये देख लीजिए। ये ग्रे कलर में हमारे पास डिजाइन होने वाला है, ये हमारे पास बहुत लाइट सा ग्रे शेड में ये पीस है। इसकी पहले तो आप मॉडल पिक्चर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी हमारे पास ओवरऑल एक ही कलर में होगा, कोई कंट्रास्ट में कोई भी चीज इसमें नहीं है। और इसकी जो आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ना, इसमें नेक लाइन का काफी अच्छा सा पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपका नेक वाला पार्ट बनेगा, ये पूरा डिजाइनिंग इसमें फ्रंट पे आ जाएगी, आप देख लीजिए। इसमें भी वही सेम टू सेम वर्क है, वाटर सीक्वेंस वर्क है। देखिए वाटर सीक्वेंस काफी लोग नहीं समझ पाते होंगे, मैंने एक बार आपको बताया भी था, जो एकदम ट्रांसपेरेंट वाला जो सितारा होता है, जिसे हम बोलते हैं सितारे का काम, तो ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है वो होता है वाटर सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग के लिए वो लगाया जाता है, और शाइनिंग भी उससे इतनी ज्यादा ओवर नहीं लगता है, क्योंकि रात के लिए सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ब्लिंग सा चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से अच्छा होता है। अगर यहीं पे कोई एक कलर का सीक्वेंस वर्क होता तो वो बहुत ज्यादा ओवर कर देता लुक को, लेकिन इसमें वाटर सीक्वेंस सारे के सारे डिजाइन में
अभी तक सिर्फ वाटर सीक्वेंस ही मिला है देखने के लिए, और रेशम का काम इसमें है और गोल्डन कलर का जरी का काम है, ठीक है। तो वो मैंने आपको सारा वर्क बता देती हूँ, जैसे कि आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि काफी लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ रेशम का काम हो, जरी का ना हो, अगर आपको बहुत ज्यादा सोबर में भी चाहिए लुक में। और काफी लोग कहते हैं नहीं, जरी का होना चाहिए, क्योंकि रात के फंक्शंस में ना थोड़ा शाइनी शाइनी सा ही अच्छा लगता है, तो ये उस हिसाब से है। और ये आप देख लें, इसकी स्लीव्स हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी ज्यादा शाइनी नहीं चाहिए तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ओरिजिनल में देखें, क्योंकि ओरिजिनल में जो अगर जरी का काम भी होता है ना, तो वो इस तरीके से होता है, मतलब बिल्कुल भी बहुत ही, मतलब वो भी इतना शाइन नहीं करता है, मतलब जो ओरिजिनल वाले में भी जरी का काम जो होता है। तो आप, मेरे पास है, मैं आपको ओपन पिक्चर उसकी सेंड कर दूंगी, अगर आपको देखना हो तो फिर आप देख लीजिएगा। उसमें मेरे पास ओरिजिनल वाले में फिलहाल ग्रे कलर का पीस है, ब्राउन है, और एक दो शेड्स और हैं, ग्रीन में भी अवेलेबल है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। फिर आपको अगर दोनों में से जो भी अच्छा लगे, कोई आपके पास कोई अमाउंट का चैलेंज ना हो, तो फिर आप ओरिजिनल में भी देख सकते हैं। ओरिजिनल का गेटअप अपना अलग होता है, क्योंकि वो शिफॉन पर होता है, ठीक है। तो ये इसकी स्लीव्स हो गई, आप स्लीव्स देख लीजिए इसकी। और ये हमारे पास लाइनिंग एंड बॉटम के लिए फैब्रिक शैंटून में। और अब मैं आपको उसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। इसमें दुपट्टा जो है वो आपने नाजनीन में ही दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसमें तो देखिए नाजनीन में ही मोस्टली दुपट्टे आते हैं, लेकिन ये है कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किसी में अगर ओरिजिनल वाले पीस में अगर नेट का दुपट्टा है, तो फिर रेप्लिका में भी नेट का ही देना पड़ता है, तो बस उस वजह से आता है। ये देख लें कितना खूबसूरत पैच है इसमें, कंगूरे से बने हुए हैं इस वाले पैच में। और ये बॉटम के लिए आपको दिया हुआ है, और ये इसका दुपट्टा है नाजनीन मटेरियल पे, ये आप देख लीजिए। इसमें आपको वही सेम टू सेम सूट वाली आपको बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, बीच में आपको बूटे पड़े हुए मिलेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको दिखा दिया। ग्रे कलर ना इसका बहुत ही जो लाइट, एकदम लाइट वाला ग्रे होता है ना, वो वाला इसका ग्रे शेड है। तो ये इसकी मॉडल पिक्चर हो गई। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट पीस। जो नेक्स्ट डिजाइन है हमारे पास, ये मैं आपको व्हाइट कलर में दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये व्हाइट कलर में है। इसमें दुपट्टा आपको कंट्रास्ट में मिलेगा, क्रीम शेड में, डार्क क्रीम शेड में दुपट्टा इसका दिया है। और ये पूरा प्रॉपर सूट हमारे पास व्हाइट कलर में है। इस ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आई थिंक ओरिजिनल में ये डिज़ाइन आ चुका है हमारे पास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और ये उसी का रेप्लिका है। लेकिन रेप्लिका भी बहुत डिसेंट लग रहा है सामने से, मतलब ये डिज़ाइन देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इस पर आप जो काम देखेंगे ना, सेम टू सेम तो व्हाइट शेड की एम्ब्रॉयडरी है साइड्स में, जिसमें क्रीम कलर की भी आपको एम्ब्रॉयडरी का टच दिया हुआ है दुपट्टे से मैच करने के लिए। और बीच में जितना आप कलरफुल देख रहे हो, ये सारा रेशम का काम है, बहुत बारीक बारीक, कहीं कहीं पर इसमें जरी का काम है, आउटलाइनिंग जरी की है, कहीं कहीं फिलिंग जरी की है, और बीच में आपको वही सेम टू सेम वाटर सीक्वेंस वर्क भी इसमें दिया हुआ है। तो ये पूरा आप डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बॉर्डर पे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जरी का काम दिया हुआ है। और स्लीव्स में पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर बैक साइड भी एम्ब्रॉयडर्ड है, वो भी दिखाऊंगी। ये आप स्लीव्स पर देख लीजिए, स्लीव्स पर भी आपको वही सेम टू सेम वर्क दिया हुआ है। और नीचे ये रखा हुआ है बॉटम का और लाइनिंग का मटेरियल, ठीक है, व्हाइट कलर शैंटून फैब्रिक में। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पर सिर्फ और सिर्फ रेशम का काम मिलेगा आपको। जो दामन की तरफ आपको एक बॉर्डर लगा हुआ है सेम टू सेम फ्रंट की जैसा बैक साइड में, उस पर सिर्फ जरी का काम है, बाकी बैक पर पूरा आपको सिर्फ रेशम का ही काम मिलने वाला है। तो ये हमारा डिजाइन हो गया व्हाइट कलर में। और अब मैं आपको उसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा इस वाले डिजाइन में हमें कंट्रास्ट में दिया हुआ है, ये देख लीजिए। और ये है इसका एक पैच, जो कि आपका बॉटम के लिए दिया है, बॉटम पे आप लगवा सकते हैं। और अब मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ। तो दुपट्टा जैसे कि मैंने आपको बताया है, डार्क क्रीम नहीं कह सकते इसको, बादामी शेड आप कहिए। तो बादामी शेड में इसका दुपट्टा है, नाजनीन फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी सेम टू सेम आपको वही सूट के मैचिंग की मिलेगी, और बीच में बूटे वगैरह पड़े हुए हैं। दुपट्टे को अगर आप और हैवी करना चाहो ना, तो आप लेसेस वगैरह लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा लगवाने के बाद, और काफ़ी अच्छा इसका गेटअप भी हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये हमारा व्हाइट शेड में है। और ये फिफ्थ डिज़ाइन था हमारी वीडियो का। अब मैं आपको फाइनली लास्ट वाला पीस दिखा रही हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसी के बाद ऑर्डर होता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर हमारे लिए जाते हैं। और ये हमारा लास्ट पीस है आज की वीडियो का, आप ये भी देख सकते हैं। इसका जो शेड है ना, वो बहुत लाइट ब्राउन शेड है, और इसमें भी दुपट्टा आपको कंट्रास्ट में मिलेगा। मैं दिखाती हूँ, जो कंट्रास्ट में दुपट्टे जिस भी डिज़ाइन में दिए हैं,
उनमें आपको कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी में दुपट्टे का शेड यूज करा गया, जिससे कि ऐसा ना हो कि दुपट्टा बिल्कुल ऑड लगे। तो ऑड नहीं लगेगा इसमें, एम्ब्रॉयडरी में जो ये आप देख रहे हो ना डार्क ब्राउन सा शेड है, ये बिल्कुल दुपट्टे से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसका जो शेड है वो बादामी शेड है सूट का, सूट का जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न आप देख सकते हैं। इस वाले एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें पर्पल कलर का और ब्राउन कलर का आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। इसमें रेशम का काम है, जरी का काम इसमें बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं पे अंदर की तरफ फिलिंग हो रही है जरी की, बाकी बहुत कम है। और डिजाइन के हिसाब से मतलब उनके कंपेरिजन में और बाकी वाटर सिक्वेंस वर्क भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही डिसेंट इसमें काम हो रहा है और मिनिमम लाइक 2-3 शेड्स यूज करके इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है। और ये इसकी स्लीव्स हैं सेम टू सेम वही एम्ब्रॉयडरी का कलर एंड पैटर्न यूज करके आपको स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। और ये मैं दिखा रही हूँ अब इसमें बैक साइड, इसकी नीचे जो ये शंटून फैब्रिक है वो आप देख ही चुके होंगे, वो लाइनिंग का एंड बॉटम का फैब्रिक आपको दिया है। और ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड भी आपको पूरी फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ इसमें दी जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा। तो ये एक पैच है जैसे कि सारे डिजाइन में दिया हुआ है, ये बॉटम के लिए पैच है। अगर देखिए बॉटम आप पैंट बनवा रहे हो प्लाजो बनवा रहे हो उसमें तो लग जाएगा, लेकिन शलवार में आपकी मर्जी है आप लगवाना चाहें, क्योंकि काफी लेडीज जो है वो शलवार पहनना पसंद करती हैं। तो आप कहीं भी मतलब इसको ना लगवाएं, आप कहीं और भी इसको लगवा सकते हैं, किसी और सूट में भी आप लगवा सकते हो। तो ये तो आप रख भी सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लगवाना जरूरी ही है, दिया हुआ है साथ में, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कंट्रास्ट में दुपट्टा है इसका, काफी लाइक रस्ट ऑरेंज टाइप का ये शेड है, मतलब प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं है, प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, कुछ बीच वाला जो एम्ब्रॉयडरी में जो यूज हो रहा है ना उस टाइप का शेड है। और बाकी इस पे भी आपको वही सेम टू सेम सूट की जैसी एम्ब्रॉयडरी इसमें मिल रही है। तो इस वाले डिजाइन में हमारे पास ये कंट्रास्ट में दुपट्टा है, और मैंने आपको दिखा दिया था फर्स्ट वाले डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको नेट का दुपट्टा दिया हुआ है डार्क पर्पल वाले पीस में, बाकी सारे के सारे सूट्स में आपको नाजनीन दुपट्टा ही है, कुछ में सेम कलर में है और कुछ में कंट्रास्ट में। तो वो तो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आ पाई हो तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ सारी के इसमें क्या काम है, इसमें कौन सी एम्ब्रॉयडरी किस उसकी हुई है, तो वो सब चीज आप डिटेल में देख लिया कीजिए, क्योंकि यही जो बात मैं वीडियो में बोलती हूँ वही बात अगर आप मुझसे आगे पर्सनल पे पूछेंगे तो यही सेम बात मैं पर्सनल पे भी बोलूंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ही हैंडल करती हूँ, तो इसलिए आपको सेम ही वो है मतलब डिटेल्स मिलेंगी सुनने के लिए। तो आप वीडियो को ही अच्छे से देख लिया कीजिए, जो भी डिजाइन, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी वीडियो देखें, आपको जो डिजाइन पसंद आता है एटलीस्ट उसको अच्छे से ध्यान से सुन के देख लिया करिए। ठीक है, इसमें जो लेंथ बन जाएगी वो आपकी बहुत आराम से 45-46 बन जाएगी, और विड्थ जो निकल जाएगी वो आपका 4XL तक 5XL तक आराम से निकल जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है 4XL तक तो बहुत आराम से निकल जाएगा। जैसे आपने देखा कि स्लीव्स ऑलरेडी साइड में अलग से अटैच्ड है, बाकी का पूरा विड्थ आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा डिजाइन हो गया, मैंने आपको लास्ट पीस दिखा दिया, टोटल 6 डिजाइन थे। अभी मेरे पास ट्रम्शा के रेप्लिका में यही वाले पीसेज हैं, इनके अलावा अभी फिलहाल मेरे पास शॉप पे कोई भी कॉस्मोस का पीस अवेलेबल नहीं है। तो आप बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं, और वैसे भी आप लोग जानते हो अब थोड़ा सा शादी का सीजन आ गया है, तो आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग मुझे फौरन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरे पास और भी पार्टी वेयर अवेलेबल है लेकिन कॉस्मोस का नहीं है, तो अगर आपको कोई और भी पैटर्न पे कुछ और देखना होगा मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, सारी आपको क्वेरी सारी सब कुछ व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज कर दें तो मैं आपका जल्दी से जवाब दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।